दोस्तों आज हमारे पास है एक ऐसी स्कूटर जो कि मोस्ट पॉपुलर अपने सेगमेंट में, ये है 125 सीसी की टीवीएस जुपिटर जो कि लेटेस्ट मॉडल है। ये एक वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है, इसकी टैगलाइन है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम देखने वाले इसमें आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। तो सबसे पहले हम पहचान कर लेते हैं, नया मॉडल है, आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप फ्यूल कैप पर देख सकते हो, आपको E20 का स्टीकर देखने को मिल जाता है। अभी आपको इस स्कूटर मिलने वाला है E20 कैपेबल इंजन, मतलब आप एथनॉल 20% वाला फ्यूल आप इस स्कूटर में डाल के आसानी से इसको चला सकते हो। साथ में आपको इस स्कूटर मिल जाएगा OBD2। सो ये अपडेट हुए और देखते हैं क्या अपडेट हुए, क्या चेंजेस हो, आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके प्राइस को लेके। इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। पहले अगर हम बेस मॉडल की बात करें जिसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा एंड मेटल व्हील मिलने वाले, उसकी ऑन रोड प्राइस आपको मुंबई की पड़ने वाली है 1,07,000 रुपये विद एसेसरीज, हेलमेट, पार्किंग कवर एंड सीट कवर के साथ में। एंड उसके बाद आता है सेकेंड मिड वेरिएंट जिसके साथ में आपको मिलने वाला है अलॉय व्हील, डिस्क नहीं मिलेगा एंड साथ में आपको एसेसरीज सेम मिल जाएगी, हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर, उसकी ऑन रोड प्राइस मुंबई की आपको पड़ने वाली है 1,10,500 रुपये। और जिसकी बात हम करने वाले हैं, आज हमारे पास है टॉप मॉडल, इसमें आपको मिल जाएगा अलॉय व्हील, साथ में आपको मिलने वाला है डिस्क ब्रेक, इसमें आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है मुंबई की 1,14,000 के आसपास। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप कॉल भी कर सकते हो एंड विजिट भी कर सकते हो। ये जो मैंने प्राइस बताई है, ऑन रोड बताई है विद एसेसरीज, अभी हम जान लेते हैं इस स्कूटर के बारे में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या फीचर्स है, सब कुछ आपको डिटेल से मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। हेडलाइट की बात कर, जो आपको पहले मिलती थी वही मिलने वाली है, आपको LED हेडलाइट मिल जाती है। ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं। अभी शायद DRL ऑन हुआ होगा, DRL यहां पे है, आप देख सकते हो, आपको DRL LED मिल जाते हैं जो कि काफ़ी प्यारे दिखते हैं ऑन होने के बाद। और अभी हम ऑन कर लेते हैं इंजन को। सो ये रही इसकी हेडलाइट, ये एक्चुअली ये पासिंग का ऐसे काम करने वाला है, और ये रही इसकी लो बीम, हाई बीम ऐसे कुछ दिखने वाली है, और पासिंग का यहाँ पे ऐसे काम करने वाला है। और अभी हम इंडिकेटर ऑन करके देख लेते हैं, ये रहा इंडिकेटर। सो इंडिकेटर आपको मिलने वाला है इसमें हैलोजन बल्ब, ऐसे साउंड भी आएगा ताकि आपको इंडिकेट करता रहे कि आपका इंडिकेटर ऑन है। इससे एक सेफ्टी भी है, आपको पता चल जाएगा एंड आप रॉन्ग टर्न नहीं लोगे। और अभी हम यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम वर्क देखने को मिलने वाला जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मिरर की बात करें, मिरर पे भी आपको क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा, काफ़ी स्टाइलिश आपको मिरर मिलने वाले हैं। तो सामने से ये स्कूटर की हेडलाइट कुछ ऐसे दिखने वाली है, फ्रंट का लुक ऐसा रहेगा। TVS की ब्रांडिंग, नंबर प्लेट यहाँ पर लगने वाला है, और आपको फ्रेम गार्ड साथ में मिलने वाला है जो कि मेटल का रहेगा एंड आपके स्कूटर के बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला है। एंड क्रोम वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोनों तरफ जो कि काफ़ी आई कैची लग रहा है। एंड इसकी बात करें, आपको मेटल का मिल जाएगा, सो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है मडगार्ड की। फ्रेम गार्ड आप देख सकते हो जो कि कुछ ऐसे लगने वाला। अभी हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन को लेकर। सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलने वाला है टेलीस्कोपिक। टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, 90x90 सेक्शन का आपको टायर साइज मिल जाएगा। एंड व्हील की बात करें तो आपको अलॉय व्हील मिलने वाला है जो कि डायमंड कट फिनिश के साथ में आने वाली, देख सकते हो कितनी प्यारी सी आपको व्हील मिल जाएगी, काफी खूबसूरत लग रही है। इसकी साइज रहने वाली है फ्रंट में 12 इंच की एंड फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और सस्पेंशन पे आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाएगा जिससे स्कूटर की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी टर्निंग वाले पॉइंट पे। अभी हम बात कर लेते हैं रियर व्हील एंड सस्पेंशन को लेके। तो सस्पेंशन आपको सिंगल साइड देखने को मिल जाएगा जो कि रहने वाला है आपके स्कूटर के राइट साइड में। आपको MIG विद स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है इसमें, जिसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो जैसे आपको राइड करना हो, जैसे आपको जरूरत हो। अभी हम बात कर लेते हैं टायर को लेके, आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पे भी मिलने वाला है। टायर साइज की बात करें तो आपको 90x90 सेक्शन का रियर में मिलने वाला है, व्हील साइज भी आपको सेम मिल जाएगी 12 इंच की। और रियर में आपको मिलने वाला है ड्रम ब्रेक। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो आपको मिल जाएगा CVS, जिसे बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप रियर ब्रेक लगाते हो तो आपका फ्रंट ब्रेक भी लगने वाला है। और ये रहा इसका साइलेंसर जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है, यहाँ पे आपको क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि मेटल है, सो बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी और लुक भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। और ये रहा इसका फ्रेम गार्ड जो कि आपके स्कूटर के बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, पूरा मेटल का है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। जुपिटर 125 की ब्रांडिंग मिल जाएगी 3D में जो कि काफी खूबसूरत लग रही है एंड एकदम आई कैची लग रही है। और ये रहा सीट कवर, आप देख सकते हो ऐसे कुछ दिखने वाले स्कूटर, और यहाँ पे भी आपको क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा। ये रहा इसका पिलियन राइडर फुटर जो कि फोल्डेबल रहेगा, अंदर बॉडी के अंदर ऐसे चला जाएगा। ओवरऑल इधर से स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अभी हम साइड फेयरिंग की बात कर लेते हैं, सो साइड से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखेगी। फ्रेम गार्ड आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपके स्कूटर के बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला है। यहाँ पे दिखा गया है TVS इंटीलगो, ये काफी अच्छा एंड कूल फीचर है, इसके बारे में आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये रहा इसका फुटरेस्ट एरिया, काफी लंबा है तो अच्छे से आप कंफर्टेबल तरीके से आप बैठ सकते हो, ग्रिप भी काफी अच्छी मिल जाएगी।
और ये एरिया देख सकते हो आपको सिंपल सा ब्लैक मैट जैसा दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पेस अच्छा मिल जाएगा, यहाँ आप फ़ोन रख सकते हो या फिर छोटी मोटी पानी की बोतल भी रख सकते हो। फ़ोन चार्ज करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपकी की लगेगी ऑन ऑफ लॉक एंड यहीं पे आपका ये बूट ओपन होगा एंड फ्यूल भी ओपन होगा, आगे मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ देखो यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्यूल कैप, मतलब फ्यूल टैंक यहीं पे आपका रहने वाला है। फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा इसमें 5.1 लीटर का, माइलेज मेरे हिसाब से आपको मिलने वाले 45 के आसपास। और यहाँ पे आपको यूनिक सा टेक्सचर मिल जाएगा जो कि देखने में काफ़ी कूल सा लग रहा है। और यहाँ पे आपको हुक मिल जाएगा, आप लगेज कैरी कर सकते हो यहाँ से, यहाँ पे आप बैग लगा के मतलब ऐसे लटका सकते हो। और आ जाते हैं अभी हम थोड़ा सा ऊपर, देख लेते हैं इसके मीटर कंसोल को। आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो हम ऑन कर लेते हैं मीटर कंसोल को। ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाएगा, इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, यहाँ पे आपका स्पीड बताने वाला है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिलने वाले हैं, आपका फ्यूल का बताएगा एंड इंजन माल फंक्शन लाइट बताएगा। और यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका टाइम बताएगा, देख सकते हो ओडोमीटर बताएगा एंड ट्रिप, और यहाँ पे आपका फ्यूल का बताने वाला है। और यहाँ पे आपको एक इंटेलिगो स्विच मिल जाती है, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इसकी वजह से आपकी माइलेज इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप ये ऑन रखते हो, जैसे आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, देन आपकी स्कूटर क्या होगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जब आपको स्टार्ट करना होगा तब आप ब्रेक लेके थ्रोटल दोगे तो आसानी से स्कूटर स्टार्ट हो जाएगी, इससे आपका फ्यूल बचेगा। जैसे i3s काम करता है हीरो, वैसे TVS में इंटेलिगो फीचर काम करता है। और यहाँ हैंडल बार की बात कर लेते हैं, थ्रोटल ब्रेक लीवर, यहाँ पे आपका सेल्फ ऑप्शन मिल जाएगा एंड इंटेलिगो के स्विच ये रहे। और यहाँ पे देख सकते हो आपको क्रोम मग दिया गया जो कि काफी खूबसूरत सा लग भी रहा है। और इधर के स्विच की बात कर लेते हैं, अपर डिपर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आपका पासिंग हो जाएगा, इंडिकेटर हॉर्न, ये हो जाता है आपका ब्रेक लीवर। और यहाँ से आप सेट रिसेट कर सकते हो जो भी आपको चेंज करना हो, तो काफी कूल सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो इको एंड पावर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जब आप 50 के नीचे रहोगे तब आपका इको मोड पे रहेगा, जब आप 50 के ऊपर पे जाओगे तो पावर मोड हो जाएगा। पावर मोड पे आपको अच्छा खासा मतलब टॉप स्पीड एंड पिकअप देखने को मिल जाएगा, इको मोड पे आपको अच्छा खासा माइलेज देखने को मिलने वाला है। सो ये रहे, आप मान सकते हो इसमें आपको दो मोड्स मिल जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इसके सीट को लेके। सो सीट की बात करें तो काफ़ी लंबी चौड़ी आपको सीट मिलने वाली, जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई। कम्फर्ट की बात करें, अगर आप इस पर बैठते हो तो आपको सोफा वाली फीलिंग आने वाली है। काफ़ी स्टाइलिश सीट एंड कम्फर्टेबल सीट आपको मिलने वाली है। एंड डुअल टोन में आप देख सकते हो वाइट कलर की स्ट्रेचिंग काफ़ी खूबसूरत सी लग भी रही है। सो इस स्कूटर में आपको शिकायत नहीं आएगी कंफर्ट को लेके। और अभी हम इसको ओपन करके इसका स्पेस भी देख लेते हैं। सो यहां से मैं अब ओपन हो गई, ये देख सकते हो इतना बड़ा बूट, सच्ची आप लोग बोलना, इतना बड़ा बूट स्पेस कोई स्कूटर प्रोवाइड करती है, कोई कंपनी देती है, नहीं देती है, सिर्फ आपको इसी स्कूटर में देखने को मिलने वाला है। इसमें आप दो बड़ा वाला हेलमेट आराम से कैरी कर सकते हो। और ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। अभी मैं लॉक कर देता हूँ और इसके देख लेते हैं अभी हम टेल सेक्शन के बारे में। TVS की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यूनिक से आपको टेल लाइट मिल जाएगी जो कि मिलने वाली आपको हैलोजन बल्ब, यहाँ पे आपको मडगार्ड मिलने वाला है, फ्रेम गार्ड बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। यहाँ की बात की आपको जुपिटर 125 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जैसे हमने उधर देखा था। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेडीज फुटरेस्ट, और नीचे आ जाते हैं इसमें आपको किक मिलने वाली है, साथ में इंजन आपको वही मिल जाएगा, पावर स्पेक्स उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टॉर्क आपको सेम इंजन मिलने वाला है। क्रोमवर्क मिल जाएगा जैसे हमने उधर देखा था, ये रहा इसका पिलियन राइडर फुटरेस्ट। सो ओवरऑल इधर से स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है। और यहाँ की बात की आपको साइड स्टैंड मिलने वाला है, इसमें डुअल स्टैंड मिल जाएगा, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आपको मिलने वाला है। अभी हम देख लेते हैं इसका फुल व्यू। सो इधर से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली, ये रहा इसका लेफ्ट साइड का फुल व्यू। अभी हम देख लेते हैं इसके राइट साइड का फुल व्यू, राइट साइड से देख लेते हैं। सो राइट साइड से स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली, ब्लू कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये स्कूटर आप लोग कैसी लगी। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना 2023 मॉडल TVS जुपिटर 125 के बारे में। इसमें आपको ज्यादा क्या मिल जाता है, इसमें आपको ज्यादा मिल जाती है बिल्ड क्वालिटी, और दूसरा आपको मिलने वाला है इसमें स्पेस। बिल्ड क्वालिटी मतलब मैं बता देता हूँ, ये सब आपको मेटल का मिलने वाला है, जैसे आपका फेंडर भी मेटल का मिल जाएगा। एंड आपको स्पेस बहुत बड़ा देखने को मिलने वाला, माइलेज तो आपको अच्छी मिलती है, कंफर्ट ही बहुत अच्छा आपको मिलने वाला, लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है भाई, आप देख सकते हो सोफा वाली फीलिंग आपको आने वाली है। तो इस स्कूटर में सच्ची जैसे कंपनी क्लेम करती है ज़्यादा आपको देगी वैसे ज़्यादा आपको मिलता है। और इसमें चेंजेस की बात करें तो 2023 में सिर्फ यही चेंजेस हुए, इसमें आपको E20 कैपेबल इंजन मिल जाता है, साथ में OBD2 मिल जाता है, और कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इसकी प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी, अगर आपको अपने स्टेट का ऑनरोड प्राइस जानना हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं बता दूंगा। बाकी शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉल कर सकते हो एंड विजिट भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।